हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्वाभिमान को कोई खतरा नहीं है, और ये सब बांग्लादेश में जाकर करें, पाकिस्तान जाएं, ये सब भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सबसे किसी का भला होने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से यात्रा शुरू करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी का दूसरे चरण का कार्यकर्ता संवाद, किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो इसका तो कोई इलाज है नहीं, बाढ़ से जनता बेहाल है। बिहार में इन दिनों यात्राओं का दौर शुरू है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व में यात्राएं की थी, लेकिन उसके बाद उनका फिर से दूसरा चरण जो है 16 तारीख से शुरू है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। कई मुद्दे हैं, बातचीत करेंगे हमारे साथ ये मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद प्रवक्ता। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा कहा जा रहा है इसे। हिंदुस्तान में हिंदू स्वाभिमान का ये कोई अगर बात कर रहा है तो उनको ये समझ में बात आनी चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्वाभिमान को कोई खतरा नहीं है, और ये सब बांग्लादेश में जाकर करें, पाकिस्तान जाएं, यहाँ आपसी भाईचारा प्रेम मिल्लत शांति सद्भाव के साथ सभी धर्म के लोग रहना चाहते हैं। यहाँ तेजस्वी यादव जी का मॉडल पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई वाला सिंचाई वाला चलेगा, रोजगार का मॉडल चलेगा। यहाँ दंगा फसाद उन्माद आपसी भाईचारा खत्म करने वाला मॉडल नहीं चलना है। यहाँ बीजेपी के वोटरों को संगठित करना का मकसद है, तो यहाँ तो अपने वोटरों को संगठित करना है, अपने पार्टी का स्वाभिमान बचाना है। तो ये ना, ये सब भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सबसे किसी का भला होने वाला नहीं है। उनकी यात्रा कोसी सीमांचल के जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ से उनकी यात्रा शुरू। तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से यात्रा शुरू करना चाहिए, सब जगह करें ना भाई, यहाँ कोई खतरा नहीं है और यहाँ सब लोग आपसी भाईचारे के साथ प्रेम के साथ मिल्लत के साथ रहते हैं और रहेंगे। किसी के भी सांप्रदायिक सौहार्द सद्भाव को बिगाड़ने का कोई प्रयास करेगा तो जनता उसको जवाब देगी। कहा यह जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष 16 से यात्रा पर रहेंगे। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विदेश से घूम के आए, हनीमून मना के आए हैं और बिहार जो है पिकनिक मनाने के लिए निकल रहे हैं। देखिए, विदेश से घूम के आए कि क्या किए, ये सब बीजेपी ज्ञान प्रवचन ना दे। तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं, बिहार की जनता के दुखों में तकलीफों में खड़े रहते हैं। इसके लिए बीजेपी का ये जो ज्ञान बांट रही है वो अपना गिरेवान में झांके। तेजस्वी यादव जी का दूसरे चरण का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम 16 तारीख से शुरू हो रहा है। इसमें किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो इसका तो कोई इलाज है नहीं, बाढ़ से जनता बेहाल है। सत्ता में बैठे लोग, डबल इंजन की सरकार में बैठे लोगों ने कोई मदद सहायता किया नहीं। और तेजस्वी यादव जी को कह रहे हैं देश में है कि विदेश में है, पहले अपनी चिंता करें। झारखंड चुनाव से पहले झारखंड में ईडी का शिकंजा और रेड पड़ना शुरू हो चुका है। अरे जहाँ जहाँ चुनाव जिन जिन राज्यों में होते हैं विपक्ष की सरकारें होती हैं वहाँ विपक्ष के नेताओं के यहाँ जांच एजेंसियों को भेज दिया जाता है, ये तो अब जग जाहिर हो चुका है। अब झारखंड में चुनाव की बारी है तो अब IT ED CBI सब वहाँ पहुँचेंगे। इससे क्या होना है, कानूनी तौर पर भी लड़ाई लड़ेंगे जीतेंगे और जनता की अदालत में भी जीतेगा इंडिया हारेगा भाजपा। देखिए, इन दिनों बिहार में कई यात्रा हो रही है, बड़े बड़े नेता जो हैं वो यात्रा पे निकल रहे हैं। इस बीच गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहे हैं। कई तरीके के राजद की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि वो यात्रा जो है बांग्लादेश से ही शुरू करें, कोसी सीमांचल जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहाँ से गिरिराज सिंह की यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर राजद ने साफ तौर पर कहा कि वो बांग्लादेश से यात्रा शुरू करें, ये आपसी जो भाईचारा है उसको तोड़ने की प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव 16 तारीख से यात्रा पर रहेंगे, जिसको लेकर साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो भाजपा की तरफ से आरोप लगाया गया था कि तेजस्वी यादव विदेश से हनीमून मना के आए हैं और अब बिहार में पिकनिक मनाने के लिए निकलेंगे यात्रा को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव विकास की और काम की बात करते हैं लेकिन ये लोग
फालतू की बात करते हैं। वायरल खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट वीआर झारखंड पर। मैं सत्संग पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।